चलिए दोस्तों, आज बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी, 1 कप दही लिया है और हम 1 कप पानी डाल देंगे इसमें और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे करीब 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद अब हमने ले लिया है 1 गाजर और 1 आलू, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, आज का नाश्ता बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होगा, या फिर बोल सकते हैं कि बिना तेल का नाश्ता है जो खाने में टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। आप इस नाश्ते को सुबह सुबह बना सकते हैं, बच्चों को चाहें तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आलू और गाजर को ग्रेट करने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया है इसे। तो सूजी को देख लेते हैं, तो सूजी पहले से काफ़ी फूल चुका है और गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, हरी मिर्च डाला है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पत्ती और गाजर और आलू जो कद्दूकस करके रखा था उसे डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है और थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो इसे मिलाने के बाद अब हमने इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसे मिला लिया है। अब हमने ये छोटे वाले गिलास लिया है, आप चाहें तो बड़े वाले गिलास में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें तेल लगा देंगे और ये सूजी का मिश्रण है, इसमें हम डाल देंगे अच्छे से। इस तरह से टैप करते हुए इसे हम पानी में डालेंगे, उबलते हुए पानी में स्टीम कुक कर लेंगे इसे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये अच्छे से, बहुत अच्छे से पक जाता है। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आ चुका है, यानी बहुत अच्छे से ये कुक हो गया है और ये बहुत ही फूल चुका है। तो अब हम इसे कुछ देर ठंडा होने के बाद इसे किनारे से चाकू से इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डाला है, राई डालेंगे, तिल डाला है, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे और अब हमने जो नाश्ता बना कर रखा था उसमें इस तरह से हम अलटते पलटते हुए इसे हम सेक लेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से सेकने से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो आप इस नाश्ते को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसे नारियल के चटनी के साथ, टमाटर के चटनी के साथ, धनिया के चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को 1 लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो अब हमने इस तरह से इसे काट लिया है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है।